हेलो एवरीबॉडी, पिछले लेक्चर में हम लोग ने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह अपने लाइफ में काम करती है। हम लोग ने पढ़ा कि अगर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो अपने को अपॉर्चुनिटी हर जगह दिखती है। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि अगर हम लोग ने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं की तो वो अपने को तोड़ देती है। बाद में अपॉर्चुनिटी जो होती है जब आती है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन जाते टाइम हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है और उसके वजह से अपने को राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना है। तो अगर राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लिया तो वो रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डेविड और गोलियत की स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अब हम सबको डेविड और गोलियत की स्टोरी के बारे में पता है। तो गोलियत कौन था? एक बहुत बड़ा राक्षस था। तो उसने क्या किया था, सबके लाइफ में सबके दिल में डर पैदा किया था। और एक दिन क्या हुआ, एक 17 साल का शेपर्ड बच्चा उसको उसके भाई को मिलने गया और उसको पूछा कि आप लोग वो राक्षस से मुकाबला क्यों नहीं करते। तो उसका भाई डर गया और उसने उसको कहा तुमको दिख नहीं रहा है वो कितना बड़ा है। तो डेविड ने उसको आंसर किया, नहीं वो क्यों इतना बड़ा, तो वो इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग उसको मार नहीं सकते, वो इतना बड़ा है कि हम लोग उसको अगर गोली मारेंगे तो वो उसको मिस नहीं करेगी, वो उसको ही लगेगी। तो इस तरह डेविड ने उसको कहा। तो बाकी सब आपको मालूम है, बाकी सब हिस्ट्री है। तो डेविड ने उस राक्षस को स्लिंग शॉट मतलब बेचकी से मारा। और यही जो जाइंट है ये अपने लाइफ में भी है, और हम लोग उसकी ओर जो देखते हैं या सोचते हैं उसका नज़रिया अलग अलग रहता है। तो आवर एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वी लुक एट सेटबैक, मतलब अपना एटीट्यूड अपने को राह दिखाता है कि अगर ऐसा सेटबैक अपने लाइफ में आया तो हम लोग उसको कैसे फेस करते हैं। तो टू अ पॉजिटिव थिंकर अ सेटबैक कैन बी अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। तो अगर एक पॉजिटिव थिंकर है तो ये सेटबैक उसको एक स्टेप लगेगा, एक राह उसको दिखेगी सक्सेस की ओर जाने के लिए। टू अ निगेटिव थिंकर इट कैन बी ऑब्स्टैकल, अगर कोई निगेटिव थिंकर रहेगा तो उसको ये बाधा लगेगी। ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स बिलीव फील एंड बिलीव दैट एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। तो बड़े बड़े जो थिंकर्स और फिलोसोफर्स है उनको ऐसा लगता है कि हर एक प्रॉब्लम जो अपने लाइफ में आता है तो उसके साथ एक उतनी ही लेवल की अपॉर्चुनिटी आती है सक्सेस के लिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एटीट्यूड का ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस आर कंट्रीज आर मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। इट इज़ नॉट अ सीक्रेट। आपने कुछ सोचा क्या कि क्यों कुछ आदमी लोग या ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज ये दूसरों से सक्सेसफुल क्यों है? तो इसका कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। दे सिंपली थिंक एंड एक्ट मोर इफेक्टिवली, वो सिर्फ सोचते हैं और एक इफेक्टिवली वो उसके ऊपर काम करते हैं। दे डू सो बाय इन्वेस्टिंग इन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट पीपल। वो कैसे करते हैं, वो जो है इन्वेस्ट करते लोगों के ऊपर
आई हैव स्पोकन टू एग्जीक्यूटिव्स इन मेजर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली एंड आस्क देम अ क्वेश्चन. तो मैंने इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज में एग्जीक्यूटिव से बात की और मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा. इफ़ यू हैव अ मैजिक स्टिक एंड देर वॉज वन थिंग यू कुड चेंज द दैट वुड मेक यू मोर प्रोडक्टिव व्हाट वुड इट बी. अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती और आपको कहा गया कि आपको एक बदलाव लाना है जिससे प्रोडक्शन आपका बढ़ पाए, तो वो क्या आप मांगोगे. देयर आंसर्स वेयर सेम. उनके जो आंसर्स थे वो लगभग एक ही टाइप के थे. दे सेड दे वुड लाइक टू चेंज देयर पीपल्स एटीट्यूड. उनका कहना था कि वो अपने लोगों का एटीट्यूड में बदलाव चाहते थे. विद बेटर एटीट्यूड्स पीपल वुड बी बेटर टीम प्लेयर्स. तो अगर एक अच्छा एटीट्यूड रहेगा तो लोग एक अच्छे टीम के जैसे एक कंपनी में काम करेंगे. कट डाउन ऑन वेस्ट. वेस्टेज कम करेंगे और क्वालिटी बढ़ जाएगी. इन जनरल देयर कंपनी वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू वर्क इन. तो उससे क्या होगा, उनकी जो कंपनी है एक अच्छी जगह बन जाएगी जिधर वो काम कर पाएंगे. एक्सपीरियंस हैज शोन दैट ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. एक्सपीरियंस ने अपने को बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं एक इम्पॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल एसेट रहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस. पीपल आर मोर वैल्यूएबल दैन इक्विपमेंट और कैपिटल और इक्विपमेंट. तो लोग जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, किसी भी कैपिटल और इक्विपमेंट से ज़्यादा ये लोग बहुत वैल्यूएबल और ये लोग वैल्यूएबल होते हैं. अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो द मोस्ट वेस्टेड ऑफ रिसोर्सेज. और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है. पीपल कैन बी योर बिगेस्ट एसेट और योर बिगेस्ट लाइबिलिटी. जो लोग हैं ये तुम्हारे सबसे बड़े एसेट भी हो सकते हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे तो, और अगर काम नहीं कर रहे, आराम कर रहे, तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी हो सकते हैं. बाद में अगला जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे TQP टोटल क्वालिटी पीपल. तो ये क्या है, व्हाट इज़ TQP? और TQP इज टोटल क्वालिटी पीपल. ये है टोटल क्वालिटी पीपल. दे आर पीपल विथ कैरेक्टर इंटीग्रिटी इंटेलिजेंस गुड वैल्यूज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. तो ये लोग कौन है, जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जो इंटेलिजेंट है, उन जिनकी वैल्यूज अच्छी है और जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है. डोंट गेट मी रॉन्ग. मुझे गलत मत समझो. फॉर एग्जाम्पल सम कस्टमर सर्विस प्रोग्राम टीच पार्टिसिपेंट टू से प्लीज एंड थैंक यू, स्माइल एंड शेक हैंड्स. अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ सर्विस कस्टमर सर्विस प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जो लोगों को प्लीज़ कहना, थैंक यू कहना, स्माइल देना या शेक हैंड करना ये सिखाती है. हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन स्माइल इफ ही डज नॉट हैव अ डिज़ायर टू स्माइल. अभी आप सोचो कि समझो एक आदमी को स्माइल नहीं करना है तो वो अपने स्माइल को कब तक खींच के रखेगा. बिसाइड्स पीपल कैन ऑलवेज सी थ्रू अ फेक स्माइल. और लोगों को समझ जाता है कि उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कुराहट है, वो झूठी है. व्हेन द स्माइल इज़ नॉट सिंसियर इट इज़ इरिटेटिंग. तो अगर स्माइल अगर सिंसियर नहीं है, दिल से वो स्माइल नहीं दे रहा है, तो लोगों को इरिटेट करती है. विदाउट अ डाउट पीपल हु सर्व कस्टमर्स शुड से प्लीज़ थैंक यू एंड स्माइल. तो अपने मन में कुछ डाउट नहीं रखना है. जब हम लोग कस्टमर्स को सर्विस देते हैं तो आप उनसे प्लीज़ कहिए, थैंक यू कहिए और दिल से स्माइल दीजिए. तो आपकी स्माइल सिंसियर लगनी चाहिए. आप ऐसे ही फेक स्माइल आपको फेक स्माइल लानी नहीं है मुंह पे. समटाइम्स वंस अप्रोच अभी ब्लेस पास्कल. तो ब्लेस पास्कल को एक आदमी ने अप्रोच किया था. ब्लेस पास्कल जो एक बड़े फ्रेंच फिलोसोफर है, और उसने उनको कहा मुझे अगर आपके जैसा ब्रेन मिला
तो मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा। तो पास्कल ने बोला, आप पहले अच्छे इंसान बन जाओ और उसके बाद आपको मेरा ब्रेन मिल जाएगा। तो ये एटीट्यूड का फर्क है। एक बोल रहा था मुझे आपका ब्रेन दे दो तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, और पास्कल बोल रहे आप अच्छा इंसान पहले बनो और आपको मेरा ब्रेन मिल जाएगा। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट मेजर्ड बाय वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, दे आर मेजर्ड बाय फीलिंग्स एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो अपना वेजेस और वर्किंग कंडीशंस से उनका मेजरमेंट नहीं होता, उनकी मेजरमेंट जो होती है फीलिंग्स से, एटीट्यूड से और रिलेशनशिप जो एक दूसरे में नाता है या रिश्ता है उससे बड़ी होती है। व्हेन एम्प्लॉयज सेज आई कैनॉट डू दिस, दे आर रिले सेइंग वन ऑफ द टू थिंग्स। जब एम्प्लॉयज़ लोग बोलते हैं मैं ये काम कर नहीं सकता, तो वो सिर्फ दो चीज़ें कह रहे हैं, आइदर दे आर सेइंग आई डोंट नो हाउ टू डू इट और आई डोंट वांट टू डू इट। वो लोग आइदर कह रहे हैं कि मुझे ये कैसे काम कैसे करना है ये नहीं आता, या दूसरा वो कह रहे हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है। इफ दे आर सेइंग आई डोंट नो हाउ टू डू इट, दैट इज़ अ टेक्निकल इशू। अगर वो लोग बोल रहे हैं मुझे ये काम करना नहीं आता तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, और अगर वो कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डू इट तो फिर से वो दो बातें कह रहे हैं कि अगर मुझे वो काम नहीं करना है तो फिर से वो दो बातें कह रहे हैं, आइदर आई डोंट केयर टू डू इट, वो बोल रहे मुझे फिक्र नहीं है वो करने की, या दूसरा वो कह रहे आई फील स्ट्रांगली इनफ नॉट टू डू इट, मुझे ऐसा लग रहा है वो करना ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट वन इज़ द एटीट्यूड इशू। तो पहली जो केस है वो एटीट्यूड है, और दूसरी जो केस है कि वो उसके बिलीफ की इशू है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो करना ज़रूरी नहीं है। तो ये दो चीज़ें अपने को समझनी है। वी फाइंड अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉल इनटू दिस टू कैटेगरीज। तो हम लोग जब एक्सपीरियंस लेंगे तो अपने को ये जो दो कैटेगरीज मैंने बताई उसमें ही पूरे वर्ल्ड के लोग बिलोंग करते हैं। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है, एटीट्यूड इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। मतलब एक सक्सेस का फाउंडेशन ही एटीट्यूड है। द ग्रेटर द सक्सेस द स्ट्रॉन्गर इज़ द फाउंडेशन। हम लोग जितने ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे अपना फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग रहेगा। तो एक उसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। द कैलिगरी टावर स्टैंड्स एट 190.8 meters। तो कैलिगरी टावर जो है ये 190.8 meters इतना ऊंचा है। द टोटल वेट ऑफ द टावर इज 10,884 tons। उसका जो वजन है 10,884 tons है, उसमें से 6,349 tons आर बिलो द ग्राउंड। तो उसमें से 6,349 जो उसका वजन है वो जमीन के नीचे है। दिस शोज दैट द टॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बिल्डिंग्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन। तो उससे अपने को क्या समझ में आता है, जो ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स से उनका जो फाउंडेशंस रहता है वो स्ट्रांग रहता है। जस्ट लाइक अ ग्रेट बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रांग फाउंडेशन सो डज सक्सेस। तो जैसे ही बड़ी बिल्डिंग एक स्ट्रांग फाउंडेशन पे खड़ी होती है, उसी तरह सक्सेस भी जो होता है एक स्ट्रांग फाउंडेशन के ऊपर खड़ा रहता है। एंड द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज एटीट्यूड। और जो सक्सेस का जो फाउंडेशन है वो एटीट्यूड है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन था उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।